पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने जिला से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री पर भूमि खरीद के आरोप लगाए हैं। मनकोटिया ने कहा कि भू संपत्तियां खरीद रहे मंत्री प्रॉपर्टी डीलर क्यों नहीं बन जाते। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला में विभिन्न स्थानों पर 4000 कनाल से अधिक भूमि की खरीद की गई है, जिसकी सीबीआई से जाँच करवाई जाए। मनकोटिया ने इन खरीदी गई भू संपत्तियों की जाँच के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सांसद शांता कुमार, प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है। मनकोटिया ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर भू माफिया सक्रिय हैं। मनकोटिया ने कहा कि जिला के कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदारों और उनसे जुड़े लोगों के नाम पर जिला के विभिन्न स्थानों पर भूमि खरीदी गई है। सरकार को ये जांच करवानी चाहिए कि जिन लोगों के नाम पर भूमि खरीदी गई है वो लोग कौन है। मनकोटिया ने कहा कि वर्ष 2018 से जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। सरकार को बताना चाहिए कि इतनी भूमि खरीद के पीछे क्या वजह है तथा कौन सा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। मनकोटिया ने आरोप लगाया कि जिला में भू माफिया का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है। पिछले 2 साल से ये क्रम चल रहा है। ऐसे में सरकार ने अभी तक इस और कोई संख्या नहीं लिया है। मनकोटिया ने कहा कि उनके द्वारा पत्र में जो 6 बिंदु दर्शाए गए हैं उनकी सीएम जयराम ठाकुर सीबीआई जांच करवाएं और ये भी पता लगाएं कि भू माफिया किसकी सह पर काम कर रहे हैं। मनकोटिया ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट के दौरान निवेशकों को हिमाचल में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि इससे पहले से ही भू माफिया यहाँ सक्रिय हो गए थे। एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है, जिसके बारे मेरी ये दरखास्त श्री जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके आगे ये दरखास्त है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप जो मैंने यहाँ या अन्य जो बिंदु दिए हैं उनके ऊपर आप पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवाइएगा और हिमाचल की जनता को बताइएगा कि क्या इसमें जो तथ्य मैंने दिए हैं वो सच हैं या नहीं हैं। ये उनका फर्ज बनता है और अच्छा है कि आजकल यही कांगड़ा में ही घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पहला तो कि लैंड परचेज इन मोहाली पट्टी, मोहाल पट्टी, तहसील फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, बाय जिन लोगों के नाम हैं उसमें, और वो कागज मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। मोहाल पट्टी की बात मैं कर रहा हूँ, वो ये कागज है। फतेहपुर कानून मंडल पड़ता है और तहसील भी फतेहपुर पड़ता है। इसमें चंद एक नामों के जो सौदे हुए हैं, वहां जमीन के सौदे हुए हैं, उसके बारे मैंने यहां लिखा है कि आप हमें बताइए मुख्यमंत्री जी कौन लोग हैं जिन्होंने लगभग 1100 कनाल वहां भूमि खरीदी है। इसकी चर्चा ये मेरे ख्याल सोशल मीडिया में शायद हुई भी है, लेकिन मैं इनके साथ आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके सामने रख रहा हूं कि इसके नाम है पवन कुमार, पुरुषार्थ, सुबोध चौधरी, दीपक, सना मेघराज, श्रीमती सुमन, रेणु शर्मा इत्यादि इत्यादि। ये इन्होंने 111 कनाल रकबे की जमीन यहां इन्होंने खरीदी है। और ये भी आपको हैरानगी होगी सुनकर कि ये जो भाग है जो इन लोगों ने खरीदे हैं, ये भाग है और भी बड़ी जमीन का। टोटल यहां सौदा जो हुआ है इस जमीन का, इस मोहाल पट्टी में, फतेहपुर तहसील में, वो हुआ है लगभग 4000 कनाल का। 153 यहां इन्होंने जो रकबा दिया है वो 153 हेक्टेयर्स का दिया है। 153 तो 26 कनाल का एक हेक्टेयर बनता है। उसके हिसाब से 4000 से ऊपर ही ये रकबा 2018 में इसकी खरीदो फरोख्त हुई है, जिसमें ये लोग प्रमुख लोग शामिल हैं। 1100 कनाल इन्होंने लगभग खरीदा है, बाकी किन किन ने खरीदा है वो भी फरिश्त जो है मुख्यमंत्री मंगवाएं, देखें किन किन खरीदा है। इज देयर अ होटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट undergoing at Upper Bhagsu in Ward number 1 of the Municipal Corporation Dharamshala. और ये जो जमीन है 2 कनाल 3 मरले की जमीन है, ये खरीदी गई है पर्चों में पवन कुमार और एक और नाम है पुरुषार्थ, जो पहले भी
जो 1100 किनाल का खरीदो फरोख्त वहां हुआ है उनमें भी हजरत शामिल हैं। इज दिस वेरी कैबिनेट मिनिस्टर इन योर गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इलीगल फेलिंग ऑफ हाईली वैल्यूड देवदार ट्रीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अफोरसेड होटल एंड वॉज दिस मैटर टेकन अप बाय द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसका बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया था जब ये रिपोर्ट गई थी, और शायद कि एक विदेशी महिला थी जिसने ये हाई कोर्ट में रिपोर्ट की कि मैक्लोडगंज में अवैध कटान हो रहा है बड़े महंगे महंगे कीमती पुराने पुराने देवदार वृक्षों का, और वो कौन कौन लोग हैं, उसने उनके नाम भी दिए थे। क्या ये जो हाई कोर्ट में जो केस चला है इसमें ये भी हमारे श्री जयराम ठाकुर जी के मंत्री कैबिनेट मंत्री इसमें ये भी इस कटान में शामिल थे इसी होटल प्रोजेक्ट के लिए? आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, कि इस मैटर में इस सारे मसले में उच्च स्तरीय जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रोब की जाए और इंक्वायरी की जाए। जो भी ये एलिगेशन लगी हैं इनके ऊपर,